चंडीगढ़ भाजपा अध्यक्ष अरुण सूद ने सांसद किरण खेर का बचाव करते हुए कहा कि वह इस समय मुंबई में हैं और हड्डियों से जुड़ी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं। किरण खेर लंबे समय से अस्पताल में भर्ती थी। उन्होंने कहा कि अभी उन्हें इलाज के लिए हर सप्ताह एक दिन अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है। इस समय वह खतरे से बाहर है। अरुण सूद ने यह भी कहा कि पिछले साल दिसंबर महीने में उनके हाथ की हड्डी में फ्रैक्चर हो गया था, जिसके बाद उन्हें एयरलिफ्ट कर मुंबई ले जाया गया था। सांसद खेर बेशक से शहर में नहीं आ रही है, लेकिन पार्टी के कार्यक्रम और लोगों की समस्याओं को लेकर वह निरंतर उनके संपर्क में है। अरुण ने कहा कि यह भी विश्वास जताया कि अगले 3 से 4 महीने के अंदर सांसद चंडीगढ़ में आ जाएंगी। इसी के साथ ही उन्होंने कांग्रेसी नेताओं के लिए कहा कि उन्हें सांसद किरण खेर के नाम पर राजनीति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वह इस समय बीमार हैं और अपना इलाज करवा रही हैं। सांसद किरण खेर जो हैं, जब से वो पार्लियामेंट का सेशन ख़त्म हुआ और लॉकडाउन शुरू हुआ, तब से वो 4 दिसंबर तक शहर में थी। पार्टी के संपर्क के पार्टी के माध्यम से वो लगातार चंडीगढ़ में जो हैं वो राहत के कार्यों में अपना योगदान और अपना मार्गदर्शन कर रही थी। 11 नवंबर को उनकी बाजू जो है वो टूटने के कारण से, लेफ्ट बाजू में टूटने के कारण से, और उससे पहले भी एक दो बार उनको जब वो फ्रैक्चर्स हुए, उसकी वजह जानने के लिए उनका पेट स्कैन हुआ और उस पेट स्कैन में जो है उनको जो डिजीज़ जो है वो डायग्नोज हुई, वो मल्टीपल माइलोमा नाम की जो डिजीज़ डायग्नोज हुई, जो उनके बोन मैरो में, जो उनकी बोन्स में, बोन मैरो में इफेक्ट हुआ था, स्पेशली लेफ्ट आर्म और राइट शोल्डर में। उसकी वजह से उनको 4 दिसंबर को चंडीगढ़ से एयरलिफ्ट कर बॉम्बे कोकिलाबेन हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया और उनका वहाँ लगातार जो है वो इलाज चल रहा है अपना। उनको अभी भी, पहले लगातार वो एडमिट थी हॉस्पिटल में, अभी उनको जो है हफ्ते में एक बार जो है वो 2 घंटे के लिए जाना पड़ता है और एक हफ्ते अल्टरनेटिव दूसरे हफ्ते में उनको रात को एक बार रुकना पड़ता है। और बहुत सारी जो है वो जो इस बीमारी से रिलेटेड जो है वो ड्रग्स हैं वो उनको इंजेक्ट की जा रही हैं, जिनका साइड इफ़ेक्ट भी कई तरह के होते हैं, लेकिन अब भगवान की दया से वो टाइम पे डायग्नोस हो गया और अभी उनका जो है वो बेहतरीन इलाज चल रहा है। और अभी मेरी उनसे कल रात ही बात हुई है, आने वाले कुछ महीनों में वो पूर्ण रूप से स्वस्थ होकर लौटेंगी। लेकिन आज कुछ लोग जो हैं किसी व्यक्ति की जो है बीमारी पे भी राजनीति कर रहे थे, उन लोगों ने जो भ्रम और भ्रांतियाँ जो झूठ फैलाया था उस चीज़ से आहत होके, क्योंकि बीमारी किसी का निजी फैसला होता है, वो अपना इलाज करा रही थी, हम इसको पब्लिक में ऐसा नहीं देना चाहते थे, लेकिन आज हमें उससे आहत होके मजबूरी में आपको सबको ये जानकारी देनी पड़ी आपके माध्यम से चंडीगढ़ की जनता को कि किरण जी लगातार जो हैं वो शहर की सेवा करती आ रही हैं, एक्टिवली सेवा करती आ रही हैं, वर्चुअली फ़ोन के संपर्क से वो प्रशासन के अधिकारियों से, पार्टी से, सबसे संपर्क में हैं। और जल्द ही परमात्मा की अब कृपा से, परमात्मा की दया दृष्टि से वो है, और आप सबकी दुआओं से, शहरवासियों की दुआओं से वो स्वस्थ होकर चंडीगढ़ में फिर से शहरवासियों की सेवा में लौटेंगे।